हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरवी नॉन रिटर्न वॉल, वो भी वेफर टाइप के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा एनआरवी है जिसे हम वेफर टाइप ऑफ एनआरवी कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रिटर्न वॉल क्या होता है। रिटर्न वॉल एक ऐसा वॉल होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड, जैसे एयर हो चाहे लिक्विड हो, उसे एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में लॉक कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वेफर टाइप एनआरवी। इसमें एक छोटा सा बीच में एक सर्कुलर डिस्क होता है जो कि इस डायरेक्शन में पाइपलाइन में ऐसे फिट होता है, जैसे हमने अभी दिखाया। इस डायरेक्शन में इसके पीछे साइड से एयर आने पर ये ओपन हो जाता है और एयर आसानी से उस साइड पास कर जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला इमेज में जो दिख रहा है, ये एयर पासिंग जब पास हो रहा है उस कंडीशन में है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो सही है तब। जबकि अपोजिट डायरेक्शन में अगर बैक साइड अगर प्रेशर होता है तो ये इस तरह से लॉक हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में क्लियरली, जो पहला इमेज है जो लेफ्ट साइड में है वो ओपन कंडीशन का है, जब एयर जो है पास हो रहा है, एयर या फिर फ्लूइड जो भी है वो पास हो रहा है, और सेकेंड कंडीशन वो है जब वो बैक पोजिशन में है तब का है। तो वेफर टाइप एनआरवी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये कप सबसे छोटे होते हैं, सबसे कम जगह घेरते हैं, सबसे कम स्पेस लेते हैं ये फिट होने के लिए, और इनका वर्किंग बहुत ही सिंपल होता है, और सभी से ज्यादा इसीलिए सबसे ज्यादा इन्हें ही यूज किया जाता है मोस्टली। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लिफ्ट टाइप एनआरवी पे भी मैंने अपने चैनल पे डाला है, उसके बारे में आप देखना चाहें तो मेरे चैनल में जा करके आप देख सकते हैं लिफ्ट टाइप एनआरवी और उसके अंदर में क्या पार्ट होता है, मैंने उसका डायग्राम भी बनाया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।